नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AS अकेडमी में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के शिक्षक भर्ती वर्तीन के लिए DPI और जनजाति कार्य विभाग दोनों ने अपने अपने रोस्टर जारी कर दिए गए हैं। जैसे ही रोस्टर छात्रों के सामने आए, छात्रों को पता चला तो छात्रों में काफी आक्रोश है और आक्रोश होना भी जाहिर सी बात है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स परेशान है कि सरकार ने जिस तरीके से व्यवहार मतलब छात्रों के साथ किया है, ये बहुत ही गलत किया है और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बता दूं सबसे पहले तो कि हम यदि DPI की बात करें तो DPI में आप लोग देख रहे होंगे कि जो स्टूडेंट्स के लिए किस वर्ग में कितनी पोस्ट मिली है, ये पोस्टों के बारे में चर्चा करता हूं। उसके बाद मैं आपको पूरी हकीकत बताता हूं कि सरकार को क्या करना था क्या नहीं करना था, उसके बारे में भी समझते हैं। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि DPI में अनरिजर्व यानी अनारक्षित श्रेणी के लिए 1507 पद दिए हैं। इसके बाद OBC कैटेगरी के लिए 1151 पद हैं, SC के लिए 946 हैं, EWS के लिए 473 हैं और ST के लिए 1496 पद हैं और ये हैं अपने DPI के लिए। अब हम बात करेंगे यदि ट्राइबल विभाग की, तो ट्राइबल में अनरिजर्व के लिए 972 हैं। इसके बाद देखें तो 1174 OBC के लिए हैं, SC के लिए 695 पद हैं, EWS के लिए 164 हैं और ST के लिए 8093 पद हैं। जैसे ही 8093 पद स्टूडेंट देखते हैं तो इनके दिमाग वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। उनको लगता है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इसमें ST वर्ग के छात्राओं की गलती नहीं, इसमें सरकार की गलती है, वो मैं आपको बताता हूं। यदि हम टोटल बात करेंगे DPI और ट्रैवल की मिला के, तो जनरल में 2479 पोस्ट आपको मिलती हैं, OBC के भाई बहनों के लिए 2325 पोस्ट मिलती हैं, SC के भाई बहनों के लिए 1174 ना मिलके 1600 कुछ समथिंग इनकी मिलती हैं, 1600 समथिंग मिल जाएंगी। इसके बाद यदि हम EWS की बात करें तो 673 और ये फाइनली 637 पोस्ट रहेंगी और ST के लिए टोटल रहेंगी 9589 पोस्ट ये रहेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 9589 और टोटल जो पद हैं वो है 18527, यानी 18527 के सीधे सीधे कर दो आधे यानी 50% हैं किसी एक वर्ग विशेष में चले गए। अपन यहाँ पर किसी के विरोध की बात नहीं कर रहे कि SC की, ST की, OBC की, जनरल की, EWS की, लेकिन अपन सोचने वाली बात कर रहे हैं कि सरकार को यदि बैकलॉग के पद भरना थे तो भाई सरकार इन बैकलॉग के पदों को अलग से भरा जाता है, अलग से भर सकती थी। आप जो रेगुलर भर्ती कर रहे हैं, वैसे भी आप 11 साल बाद भर्ती कर रहे हैं, उसमें भी आप बैकलॉग के पद ऐड कर रहे हैं, ये तो इससे पता चलता है कि आपकी मनसा गंदी है, आपकी मानसिकता ही गंदी है। क्योंकि आपकी जिस तरीके की मानसिकता है, जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, ये जनता के हित में, बेरोजगारों के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। वही आप जो भी अहित कर रहे हैं इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, ये बिल्कुल तय है। अब आप सोचो कि यार 18527 पद हैं, अभी 2-3 दिन पहले मैंने खुद कहा था कि 18527 जो पद हैं इसमें देखना है बैकलॉग के पद भी ऐड कर देंगे और अनुकंपा वालों की भी 2000 समथिंग जो पद हैं वो भी कहीं इसी में ना ऐड कर दें। क्योंकि सरकार की जो मनसा है ना, इतनी गंदी मनसा है, इनकी इतनी गंदी सोच है कि मतलब ये सोच नहीं सकते, छात्रों के मतलब हित में तो कभी निर्णय ले नहीं सकते। इनको सिर्फ आपसे वोट चाहिए, इनको सिर्फ आपके वोट से मतलब है, आपसे कोई मतलब नहीं है। आपका भविष्य कहाँ जा रहा है, आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सरकारों को कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको बता दूं, अब आप लोग सोच रहे होंगे, सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार अब हम क्या करें, हम आंदोलन करें तो क्या करें, कोई यूट्यूबर हमारे साथ नहीं आ रहे, कोई शिक्षक हमारे साथ नहीं आ रहे, हम सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे। उसका कारण है, हम लोग सबसे पहले तो बताऊं कि हर वर्ग विशेष में बटे हैं, जनरल के अलग हैं, ओबीसी के अलग हैं, एससी के अलग हैं, एसटी के अलग हैं। अब एसटी वालों की सीट ज्यादा आ गई तो वो मजे कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं ना आपके आंदोलन से ना कोई से, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सारे परेशान रहेंगे। तो भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों आखिर क्यों वर्ग विशेष में बटे, हम एक साथ होकर एकजुट होकर क्या हम सरकार के सामने खड़े नहीं हो सकते। आप सोचो कि जब आप बात करते हो कि 51,000 पदों पर भर्ती हो, तो 51,000 पदों पर भर्ती करने के लिए क्या आप 51,000 स्टूडेंट्स भोपाल में इकट्ठे नहीं हो सकते हो? आप दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के कब तक चलाओगे? मैं मानता हूं कि कोई यूट्यूबर्स आपका साथ नहीं दे रहा है, मत देने दो, कोई शिक्षक आपका साथ नहीं दे रहे मत देने दो, कोई भी व्यक्ति आपका साथ दे या ना दे आपको कोई मतलब नहीं। आपके अंदर इतने गट्स नहीं कि आप इकट्ठे होकर भोपाल में सरकार को सामने खड़े हो जाओ, सरकार से अपनी मांग करो कि यदि आज हम 51,000 पद लेकर ही जाएंगे, क्योंकि सरकार जनता बनाती है,
ना कि सरकार जनता को, याद रखिए इस बात की। आज आप हैं तो सरकार है, आप एक मिनट में सरकार बना सकते हो, एक मिनट में सरकार गिरा सकते हो। ये सरकार कोई घर से नहीं लेके आए, वरना सरकार इनकी है। आपको सारे राइट्स हैं संविधान में अपना अधिकार मांगने के और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए आप सब स्टूडेंट्स के लिए, आप सब मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए आप एक बात कह दूं, आप लोग जो बार बार इसके ऊपर ढोलना, इसके ऊपर बहानेबाजी करना, यार वो साथ नहीं दे रहा, ये साथ नहीं दे रहा, हम कैसे करेंगे, हम कैसे जाएंगे, हम कोई साथ मत देने दो, भाड़ में जाने दो सबको। आप तो अपना साथ दे रहे हो ना, आप अपना साथ दो और भोपाल जाओ, सरकार को नतमस्तक कर दो, आप लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाते और भोपाल में सरकार को बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता और सरकार खुद बोलती कि आज हमें 51,000 पद आपको स्वीकृत करते हैं। आप लोग संगठित नहीं हो, इसलिए सरकार आपका गलत फायदा उठा रही है और कुछ भी। ये तकलीफ में बोल रहा हूं मैं आपको, दर्द में बोल रहा हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि आप लोगों लिए क्या बोलूं। अभी कुछ बात हो जाएगी तो आप लोग बोल दोगे यार यार वो ऐसा नहीं कर पा रहे, वो वैसा नहीं कर पा रहे। बहानेबाजी और बतौलेबाजी बंद करो, बातों के बतेसा नहीं बनते, शक्कर के बनते बतेसा। और तुम लोग क्या काम करते हो, सिर्फ बातों के बतेसा बनाते हो। मैंने बोला ना आपको, कोई भी यूट्यूबर आपके साथ में ना जाए भोपाल मत जाने, कोई भी शिक्षक आपके साथ ना जाए मत जाने। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है अंदर से कि आप 50,000 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो सको। जब आप अपने हक की लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हो तो दूसरे क्या तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ेंगे, सोच के देखो जरा एक बार। घर में बैठ के कुछ नहीं होता है, ट्विटर अभियान चलाने से कुछ भी नहीं होता है, मैसेज करने से कुछ भी नहीं होता है। घर के कोने में बैठे हो सो बैठे रहो, ठंडी आ गई सो कंबल ओढ़ के सो जाओ, कोई कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा और ना कभी कुछ होगा। अभी भी समय है तुम्हारे पास, अभी भी वक्त है, कर दो बहिष्कार ऐसी भर्तियों का, ना ज्वाइनिंग चाहिए ना कुछ चाहिए। सरकार ने एक अभी अलग नाटक खड़ा कर दिया, सभी से फॉर्म भरवाएगी 1,80,000 लोगों से, जब पता है कि 18,000 पद हैं, तो भाई 1,80,000 से क्यों पैसे वसूल लें। सरकार सिर्फ अपनी जेबें भर रही है और हम और आप सब मूर्ख हैं जो इन सरकार की बातों में, इनकी बतौलेबाजी में, इनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और हम अपने इनको पैसे दे रहे हैं, इनकी जेब में हम खुद जाके पैसे डाल रहे हैं। कैंप पी ऑनलाइन के माध्यम से लो, हम तुम्हारे लिए पैसे दे रहे हो, तुम पैसे ले लो। समझ रहे बात को? सरकार से सवाल करो, सरकार से प्रश्न पूछो कि जब 18,527 पदों पर भर्ती होना है तो इसमें बैकलॉग के पद क्यों जोड़े, सभी से फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे, मेरिट लिस्ट तैयार करो, मेरिट लिस्ट बनाओ, वो जितने लोग मेरिट में आएंगे, जितने लोग वेटिंग लिस्ट में आएंगे उन सब के नाम करो और वही लोग फॉर्म भरेंगे, वही लोग चॉइस फिलिंग करेंगे। बाकी के 1,50,000 स्टूडेंट से क्यों पैसे लोगे आप? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, धिक्कार है ऐसी सरकारों के लिए। गलती सबसे बड़ी उनकी है जो अपने अधिकारों के लिए बोल नहीं सकते, अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते। याद रखना, यदि आज अपने अधिकारों के लिए बोलना नहीं सीखोगे तो आने वाला वक्त आपका बहुत बुरा होगा और तुम्हारी ये पीढ़ियां आने वाली घूमी हो जाएंगी और कोई कुछ भी नहीं करता रहे, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। इस सरकार एक दिन तुम्हारे ऊपर राज करेंगी, आज कर रही है और आगे भी करेंगी, और ये लोग राजा महाराजाओं की तरह महलों में बैठेंगे और तुम सबको नौकर बना के रखेंगे घरों में, और तुम सब लोग नौकरी करना और इनकी झाड़ू पोछा करना इनकी घरों में जाके। जैसा पहले समय था वैसे ही समय ला देंगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। आज शिक्षा का अधिकार आप सभी को संविधान देता है, इनके घरों से अधिकार नहीं मिला है तुम्हारे लिए, नौकरियों का अधिकार आज संविधान ने दिया है तुम्हारे लिए, इनके घरों से नहीं मिला है तुम्हारे लिए, ना किसी के बाप दादाओं की जागीर है कोई हमारे हक और अधिकार छीन ले, कोई नहीं छीनेगा। हमें अपने हक के अधिकार के लिए सिर्फ लड़ना होगा और जो लड़ेगा उसके अधिकार उसको मिलेंगे, और जो नहीं लड़ेगा घर में बैठा रहेगा उसके अधिकार उसको कभी नहीं मिलेंगे।